हमारी YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं भारती हीरा, आप देख रहे हैं एजुकेशनल टिप्स बाय जेके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं ग्रीष्मकालीन आमारायिक योजना कक्षा नौवीं के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न पहला, वैज्ञानिकों के नाम एवं प्रमुख खोज, न्यूनतम 10। क्रमांक, वैज्ञानिक के नाम, प्रमुख खोज, उपयोग। पहला, वैज्ञानिक के नाम APJ अब्दुल कलाम। खोज, मिसाइलों और परमाणु संबंधी खोज। उपयोग, मिसाइल एवं परमाणु हथियार कार्यक्रम संचालन में उपयोगी। दूसरा, ब्रह्मगुप्त। खोज, शून्य के काम करने का नियम, बीजगणित और गणित की भिन्नता। उपयोग, शून्य के उपयोग में सहायक। तीसरा, CV रमन। खोज, रमन प्रभाव, प्रकाश के प्रकीर्णन। उपयोग, प्रकाश के प्रकीर्णन संबंधी खोज में सहायक। चौथा, होमी जहांगीर। खोज, नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान। उपयोग, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोगी। पांचवा, JV नार्लिकर। खोज, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था सिद्धांत तथा नार्लिकर सिद्धांत। उपयोग, इनके खोजित सिद्धांत से भौतिकी को ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारी मिली। छठवा, जगदीश चंद्र बसु। खोज, रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी। उपयोग, संचार माध्यम में सुगमता। सातवा, RC बोस। खोज, दूर संचार के लिए नए कोड निकालें। उपयोग, कोड की सहायता से त्रुटिहीन संदेश प्राप्त किए जा सकते थे। आठवां, S चंद्रशेखर। तारों के ठंडा होकर सिकुड़ने के साथ केंद्र में घनीभूत होने की प्रक्रिया पर अध्ययन संबंधी शोध कार्य तथा ब्लैक होल का पता। उपयोग, तारों के अध्ययन में सहायक तथा ब्लैक होल संबंधी खोज में सहायक। नौवां, सलीम अली। खोज, पक्षी विज्ञान को विकसित। उपयोग, पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी। दसवां, TR से साद्री। प्रमुख खोज, पौधों पर शोध कर कई रासायनिक यौगिकों को पता किया। उपयोग, पौधों के रासायनिक यौगिकों के ज्ञान से विभिन्न औषधियों एवं प्रमुख खोज में सहायता। प्रश्न दूसरा, विभिन्न राज्यों के प्रमुख फसलों की जानकारी दें। क्रमांक, राज्य का नाम, फसल का नाम। पहला, पंजाब। फसल का नाम, गेहूँ। दूसरा, कर्नाटक। फसल, कॉफी और रेशम। तीसरा, असम। फसल, बांस और चाय। चौथा, मिजोरम। फसल, संतरा, केला, अंगूर। पांचवा, उत्तर प्रदेश। फसल, गेहूँ, गन्ना और आलू। छठवा, छत्तीसगढ़। फसल, धान, चावल। सातवा, बिहार। फसल, लीची। आठवा, मेघालय। फसल, चावल, मक्का। नौवा, हरियाणा। फसल, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना। दसवा, केरल। फसल, छोटी इलायची और काली मिर्च। ग्यारहवा, अरुणाचल प्रदेश। फसल, मक्का, बाजरा, गेहूँ, दलहन, तिलहन। बारहवा, सिक्किम। फसल, बड़ी इलायची। तेरह, उड़ीसा। फसल, चावल। चौदह, उत्तराखंड। फसल, धान, गेहूँ, जौ, मोटे अनाज, रागी, झुंगरा। पंद्रह, गोवा। फसल, चावल, मक्का, बाजरा, दालीन। सोलह, पश्चिम बंगाल। फसल, धान और जूट। सत्रह, तेलंगाना, धान की खेती। अठारह, त्रिपुरा। फसल, धान। उन्नीस, गुजरात। फसल, मूंगफली और कपास। बीस, झारखंड। फसल, धान। 21, आंध्र प्रदेश। फसल, तंबाकू और मिर्च। 22, मणिपुर। फसल, लीची, आम, जूट। 23, हिमाचल प्रदेश। फसल, गेहूँ, मक्का, जौ। 24, तमिलनाडु। फसल, केला और कसावा। 25, राजस्थान। फसल, दलहन। 26, मध्य प्रदेश। फसल, गेहूँ और लहसुन।
27 नागालैंड, फसल धान मक्का तंबाकू गन्ना। 28 महाराष्ट्र, प्याज और काजू। प्रश्न तीसरा, आपके गांव शहर में महिला स्व सहायता समूह द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, सूची बनाएं। क्रमांक, महिला स्व सहायता समूह का नाम, समूह द्वारा किए जाने कार्य। पहला, समूह का नाम जय माँ शारदा समूह। समूह द्वारा किए जाने कार्य, पैसे इकट्ठे करना व ब्याज में कर्ज देना। दूसरा, फुलबसन बाई समूह, गरीब लोगों को राशन मुहैया कराना। तीसरा, रानी लक्ष्मीबाई समूह, आचार बनाने का लघु उद्योग स्थापित कर महिलाओं को रोजगार देना। चौथा, जय माँ लक्ष्मी समूह, गरीब लोगों को कम ब्याज में आर्थिक सहायता प्रदान करना। प्रश्न चौथा, आपके विद्यालय के आसपास कौन कौन से कार्यालय स्थापित हैं, जानकारी देवें। क्रमांक, शासकीय अशासकीय कार्यालय का नाम, कार्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य, आपके द्वारा युक्त कार्यालय से क्या क्या लाभ ले सकते हैं। पहला, कार्यालय का नाम ग्राम सचिवालय, प्रमुख कार्य ग्राम स्तर के निर्माण कार्य सरपंच सचिव द्वारा। लाभ, ग्राम स्तर पर आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हेतु। दूसरा, ग्राहक सेवा केंद्र, कार्य ऑनलाइन कार्य, लाभ ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए। तीसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कार्य मरीज को ठीक करना, लाभ रोगी के इलाज हेतु। चौथा, आंगनबाड़ी केंद्र, कार्य छोटे बच्चों को पढ़ाई का कार्य, लाभ बच्चों में पढ़ने की प्रतिरुचि बढ़ती है। प्रश्न दसवां, अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में 10-10 वाक्य लिखिए। उत्तर, छात्र स्वयं अपने दादा दादी और नाना नानी के बारे में 10-10 वाक्य लिखे। प्रश्न पांचवा, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण का मॉडल बनावें। उत्तर, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है। प्रश्न छठवा, अपने चारों ओर पाए जाने वाले पदार्थों के नाम लिखकर उन्हें ठोस, द्रव, गैस एवं तत्व, यौगिक व मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। कम से कम 20 पदार्थ, अधिकतम कोई सीमा नहीं। क्रमांक, पदार्थ का नाम, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, मिश्रण, यौगिक। पहला, पदार्थ का नाम लोहा, ठोस, तत्व। दूसरा, सोना, ठोस, तत्व। तीसरा, तांबा, ठोस, तत्व। चौथा, नमक, ठोस, यौगिक। पांचवा, वायु, गैस, मिश्रण। छठवा, जल, द्रव, मिश्रण। सातवा, तेल, द्रव, मिश्रण। आठवा, रेत, ठोस, मिश्रण। नौवा, अमोनिया, द्रव, यौगिक। दसवा, अनाज, ठोस, मिश्रण। ग्यारहवा, चूना, ठोस, यौगिक। बारवा, मिट्टी का तेल, द्रव, मिश्रण। तेरह, चूना पानी, द्रव, मिश्रण। चौदह, सिरका, द्रव, यौगिक। पंद्रह, खाने का सोडा, ठोस, यौगिक। सोलह, धुआं, गैस, मिश्रण। सत्रह, नींबू का रस, द्रव, मिश्रण। अठारह, एल्कोहल, द्रव, यौगिक। 19, लकड़ी का बुरादा, ठोस, मिश्रण। 20, पत्थर, ठोस, मिश्रण। प्रश्न सातवां, अपने घर, आंगन, पर्ची, प्रत्येक कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्रमांक, कक्ष का नाम, आंगन, पोर्च, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, वर्ग मीटर, वर्ग फीट। पहला, आंगन, लंबाई 6 मीटर 20 फीट, चौड़ाई 4.5 मीटर 15 फीट।
क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर 300 वर्ग फीट। दूसरा हॉल, लंबाई 6 मीटर 20 फीट, चौड़ाई 4.5 मीटर 15 फीट। क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर 300 वर्ग फीट। तीसरा पक्षी, लंबाई 9 मीटर 30 फीट, चौड़ाई 3 मीटर 10 फीट। क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर 300 वर्ग फीट। चौथा कमरा, लंबाई 4.5 मीटर 15 फीट, चौड़ाई 3.6 मीटर 12 फीट। क्षेत्रफल 16.2 वर्ग मीटर 180 वर्ग फीट। पांचवा कमरा, लंबाई 4.5 मीटर 15 फीट, चौड़ाई 3.6 मीटर 12 फीट। क्षेत्रफल 16.2 वर्ग मीटर 180 वर्ग फीट। छठवा कमरा, 3.6 मीटर 12 फीट, चौड़ाई 3 मीटर 10 फीट। क्षेत्रफल 10.8 वर्ग मीटर 120 वर्ग फीट। सातवां किचन, लंबाई 3 मीटर 10 फीट, चौड़ाई 3 मीटर 10 फीट। क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर 100 वर्ग फीट। प्रश्न आठवां, किसी 10 बीमारियों की जानकारी देवें। क्रमांक, बीमारी का नाम, लक्षण, बचाव के उपाय, प्राथमिक उपचार। पहला, बीमारी का नाम कोरोना। लक्षण, बुखार, सूखी खांसी, थकान, दस्त, गले में खराश। उपाय, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना एवं 2 गज की दूरी बनाए रखना। उपचार, पौष्टिक भोजन, गर्म पानी, काढ़ा। दूसरा, मलेरिया। लक्षण, ठंड लगना, थकान, पसीना आना, बुखार। उपाय, मच्छरदानी का उपयोग करें, आसपास गंदे पानी का जमाव न हो। उपचार, क्लोरोक्विन दवाई। तीसरा, बुखार। लक्षण, थकान, जोड़ों में दर्द, शरीर में तापमान बढ़ना। उपाय, पैरासीटामोल का सेवन करें। उपचार, गीले कपड़े से शरीर को पोंछना। चौथा, सर्दी। लक्षण, नाक बहना। उपाय, सिट्रिजिन का उपयोग करें। पांचवा, पीलिया। लक्षण, बुखार। उपाय, डॉक्टर से संपर्क करें, रोगी के संपर्क में आने से बचें। उपचार, मूली व रस। छठवा, पेचिस। बार बार दस्त होना। उपाय, स्वच्छ पानी का उपयोग करें, डॉक्टर से संपर्क करें। उपचार, ORS घोल, डॉक्टर द्वारा ली गई दवाई। सातवा, पोलियो। लक्षण, मांसपेशियों में कमजोरी, थकान। उपाय, टीकाकरण। उपचार, स्वच्छता। आठवा, कैंसर। लक्षण, पेट में दर्द, मल में खून आना, डकार आना। उपाय, तंबाकू और उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। उपचार, तंबाकू उत्पाद का प्रयोग ना करें, नियमित व्यायाम करें। नौवा, एनीमिया। लक्षण, भूख न लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन। उपाय, आयरन की गोली तथा आयरन युक्त भोजन करना चाहिए। उपचार, दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंडे, मांस आदि खाएं। दसवां, चक्कर आना। लक्षण, सिर घूमना। उपाय, पानी अधिक मात्रा में पीना। उपचार, सिर को ठंडे पानी से धोएं। प्रश्न ग्यारहवा, कोरोना से बचाव हेतु किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान किस उपकरण से नापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में कितना होना चाहिए। उत्तर, कोरोना से बचाव हेतु किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान थर्मल गन से नापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रश्न बारहवा, टीकाकरण क्यों किया जाता है। कोरोना से बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीकों के नाम लिखिए। उत्तर, टीकाकरण करने का कारण बच्चों को संक्रामक रोग होने की संभावना को कम करना है। इसके अलावा अगर अधिकांश लोग प्रतिरक्षित किए जाते हैं और इससे प्रतिरक्षित हो जाते हैं तो इससे समुदाय में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा कम हो जाता है, जिससे व्यक्तियों और समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। कोरोना से बचाव हेतु भारत में उपयोग किए जाने वाले टीके का नाम कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी। प्रश्न 15,
प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। वृक्षारोपण। मैंने अक्षय तृतीया के दिन दो पौधे का रोपण किया। दोनों पौधे की औसत ऊंचाई प्रति सप्ताह 5 सेंटीमीटर है। वर्तमान में एक पेड़ की ऊंचाई 3 फीट तथा दूसरे पेड़ की ऊंचाई 4.5 फीट है। प्रश्न। अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 प्रश्न बनाएं एवं अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। प्रश्न पहला। छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना कहाँ अवस्थित है? उत्तर, कवर्धा। प्रश्न दूसरा। भोरम देव मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर, फणी नागवंश। प्रश्न तीसरा। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर, महानदी। प्रश्न चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? उत्तर, 10वां। प्रश्न पांचवा। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना किसने की थी? उत्तर, पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न छठवा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर, गुरु घासीदास उद्यान। प्रश्न सातवा। छत्तीसगढ़ में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? उत्तर, 90। प्रश्न आठवा। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम पंडवानी गायिका जिसे पद्मश्री मिला वह है? उत्तर, तीजनबाई। प्रश्न नौवा। छत्तीसगढ़ राज्य के धन्वंतरी सम्मान की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? उत्तर, सन 2007 में। प्रश्न दसवा। छत्तीसगढ़ का कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत है? उत्तर, इंद्रावती। प्रश्न ग्यारहवा। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है? उत्तर, सोंढूर। प्रश्न बारहवा। छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची? उत्तर, बरदरगढ़। प्रश्न तेरह। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? उत्तर, मान। प्रश्न चौदह। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का नाम से जाना जाता था? उत्तर, दक्षिण कोसल। प्रश्न पंद्रह। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुवा नृत्य किस पर्व में किया जाता है? उत्तर, दीपावली। प्रश्न सोलह। छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? उत्तर, बिलासपुर। प्रश्न सत्रह। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? उत्तर, अजीत जोगी। प्रश्न अठारह। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, श्री मोहन शुक्ला। प्रश्न उन्नीस। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बनवारी लाल अग्रवाल। प्रश्न 20। छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपना शासक किसे बनाया था? उत्तर, रघुजी प्रथम। प्रश्न 21। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रथम आचार्य निम्नलिखित में से कौन थे? उत्तर, चूड़ामणि साहब। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? उत्तर, वन भैंसा। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है? उत्तर, पहाड़ी मैना। प्रश्न 24। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? उत्तर, बारसू। प्रश्न 25। 1930 में छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न 26। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? उत्तर, दिसंबर 1920। प्रश्न 27। भारत की प्राचीन जोगी मारा गुफा निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर, सरगुजा। प्रश्न 28। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? उत्तर, हसदेव। प्रश्न 29। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, मीनाक्षी। प्रश्न 30। छत्तीसगढ़ का पुलिस वाहन का सीजी कोड नंबर क्या है? उत्तर, 3। प्रश्न 31। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जंजारी नृत्य निम्नलिखित में से कौन से पर्व पर होता है? उत्तर, होली। प्रश्न 32। छत्तीसगढ़ में जन्मे संत वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया था? उत्तर, पुष्टि मार्ग। प्रश्न 33। महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ था? उत्तर, चंपारण। प्रश्न 34। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध धर्म स्थल दामाखेड़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उत्तर, कबीर पंथ।
प्रश्न 35, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक निम्नलिखित में किस राजवंश ने शासन किया? उत्तर, कलचुरी वंश। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? उत्तर, भील। प्रश्न 37, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र भूमि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर, 44.2%। प्रश्न 38, छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर, 90। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? उत्तर, कालाहांडी। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? उत्तर, कोरबा। प्रश्न 41, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक विकसित औद्योगिक जिला निम्न में से किसे माना जाता है? उत्तर, दुर्ग। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? उत्तर, कर्नाटक। प्रश्न 43, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है? उत्तर, चंबल। प्रश्न 44, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन मध्य प्रदेश से कितने जिले लेकर किया गया था? उत्तर, 16। प्रश्न 45, लोकसभा के छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया था? उत्तर, 31 जुलाई 2000। प्रश्न 46, जनसंख्या की पुष्टि जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर, रायपुर। प्रश्न 47, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? उत्तर, राजनांदगांव। प्रश्न 48, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? उत्तर, छत्तीसगढ़ मित्र। प्रश्न 49, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा माना जाता है? उत्तर, अबूझमाड़ क्षेत्र। प्रश्न 50, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर, डॉक्टर रमन सिंह। प्रश्न, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं तीन लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें। उत्तर, माता पिता की प्रतिक्रिया। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में ग्रीष्मकालीन आमा राय परियोजना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि इस आमा राय परियोजना को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों पर हम लोगों से चर्चा कर उस विषय वस्तु के बारे में जानने का प्रयास किया। इस विषम परिस्थिति में घर में रहकर पढ़ाई में अपने समय का सदुपयोग किया। अपने इस ज्ञान पिपासा को कभी कम मत होने देना और भविष्य में भी इसी प्रकार अच्छे अध्ययन करते हुए हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, यही शुभकामना है। चाचा चाची की प्रतिक्रिया। प्रिय भतीजे, इस लॉकडाउन में आमा राय परियोजना को पूरा करने के लिए परिवार के सभी लोगों से चर्चा परिचर्चा कर जानकारी एकत्रित किया। यह काबिले तारीफ है। इसमें लगभग सभी विषयों का समावेश हो गया है। इसे पूरा करने के लिए जो लगन और मेहनत किया, ऐसे ही भविष्य में भी करते रहना, हमारी शुभकामना हमेशा तुम्हारे साथ है। भैया की प्रतिक्रिया। प्रिय भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इस ग्रीष्मकालीन आमा राय परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत किया, हम सभी से जानकारी एकत्र किया और एक फाइल के रूप में तैयार किया। इसी प्रकार लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहना, हमेशा उन्नति करना, आगे बढ़ते रहना, यही शुभकामना। हमारी YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।